तो दोस्तों किसी भाई ने अपने लिए अच्छा सा एक गिफ्ट भेजा है, तो हम इसकी करते हैं फुकराज और हम मिलकर के ओपनिंग, क्या निकलता है क्या नहीं है। इनबॉक्सिंग बोलते हैं या ओपनिंग बोलते हैं पहले ये बता। इनबॉक्स बोलते हैं। तो हम दोनों भाई इसको खोलते हैं, किसने भेजा है और कहाँ से आया है, क्या निकलेगा इसके अंदर। वैसे तो आपने कवर बहुत तगड़ा किया, जिस हिसाब से लगता है कुछ बड़ा ही कुछ धमाका होने वाला है। तो आप देख रहे हो, वो लोग के साथ जुड़े रहे हो, क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है हम आपको दिखाएंगे, अपडेट देंगे पूरी की पूरी जानकारी, और किस बंदे ने भेजा है वो भी बताएंगे और कहाँ से आया है। सबसे पहले देखो कि अंदर है क्या। पहले ये देखो भेजा किसने, वो देखो है अंदर वो नहीं, जरूरी है। इतना कौन दिल वाला दिलेर वाला बंदा था जो अपने लिए गिफ्ट भेजा है, वो जरूरी है। वो तो नाम लिखा हुआ है, कहाँ है फिर भी आपको पहले से बता। अरे नाम है तो बताओ ना फिर। लोगो पायलट साहब रौनक सैनी जी राता नाडा जोधपुर से इन्होंने भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तह दिल कह रही हूँ सैनी साहब जी। शायद मैं पिछली बार यही था तब भी। अरे मदन भाई ने भेजा हुआ सेम ही है ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये आया है। ये तो सॉल का नाम नहीं है, एक बार देख लिया जो भाई मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती। कुर्ता पैजामा का तो आ जा बेटा, तुम भी आ जा, क्या आया क्या नहीं आया अंदर देख रहे हैं, बैठ इधर देख, इधर हमारे पास आ जा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करके पुकराज और देखने की कोशिश करें, पुकराज को जरूर किया देखना अंदर आया क्या। और हमें ये देखना है, तो भेजने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है, और जिस भाई ने भेजा है उनका सैनी साहब लोको पायलट है रातानाडा से इन्होंने भेजा है, और एक बार मदन भाई के भी आया था उन सेम बंदे ने वापस भेजा है, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। अंदर क्या है वो आपको हम अभी बताते हैं, इस बंदों के साथ आप जुड़े रहिए। सबसे अच्छी चीज आई भाई, वाओ सेफ्टी, सबसे ज्यादा ये बहुत ज्यादा सेफ्टी, यह हेलमेट नया लग गया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैसेज भी मिलता है, बहुत है ना, छोटो मोटो नहीं बहुत बड़ो मैसेज मिलो। हाँ, नहीं हकीकत बात है बेही वास्ते अपन भेजू है कि था बाइक में निकलो जरा, एक हाथ में फोन ले लो, बड़े ध्यान रहे ताकि और तो सेफ्टी रहे। एक मिनट भाई कंटिन्यू बनाए रखी, शूट चालू रखी बॉस, भाई साहब कहीं लिख भेजू है तक मैं वो भी देखा। सभी भाई लीचू जी मदन जी जी, हाँ ले लो भाई, लीचू भाई को पहले फोटो लेने दो, एक बैक साइड भी है। वेरी गुड, ठीक है आप पढ़ते हैं क्या क्या मामला। सभी भैया भाइयों लीचू जी मदन जी जी बॉस दिनेश जी और बी के भाई साहब, उसके साथ एक लेटर भेजा था, उसमें मैंने ये लिखा था कि मैं आपसे मिलने आऊंगा, मेरी छुट्टियां भी है, मैं छुट्टियों में आया लेकिन आप शायद घूमने निकल गए, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन मने नहीं लगे कि इन बारिश रा मौसम में इन सबसे बढ़िया कोई और साफ है, मतलब बात हेलमेट की कर रहे हैं ना। रितु जी से मेरी एक अपील है कि आप लोगों ने हेलमेट पहनने के लिए कही, आप लोगों को हेलमेट पहनने के लिए कही जागरूक करिए। एक बात और, आजकल पीके भाई साहब दिखे को नहीं, वो लोग वगैरह में खाई सकते पीके भाई साहब इतना दिन गाँव जुड़ा था। रमेश सैनी जी इंडिया रेलवे जोधपुर राता नाडा, बहुत बहुत धन्यवाद रौनक भाई साहब। यहाँ पर भी लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन दिनेश जी फॉर 10K ऑल द स्टार, सो मच भाई साहब, आपने हमारे बारे में भी लिखा और पिछली बार भी हम हाजिर थे, इस बार भी हाजिर है, थोड़ा काम खेत में भी थोड़ा बिजी था इसलिए। दिनेश जी फिर भी थोड़ा हेलमेट वास्ते कुछ बोल दो। राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की अपार गहराई। रौनक भाई सैनी साहब साजियान का
दर्शक मिले और प्यार देवे इन आगे कई चीजे भगवान करे था कुशल मंगल रहो थारो परिवार खुश रहे। बस एक ही चीज कहनी है कि हर बार पिछली बार भी मैं भेजो शायद आप मदन जी खातर भी की भेजो आगे भी की भेजो तो सिर्फ एक लेटर भेज दिया करो जगर में थानी भावना व्यक्त कर दिया करो। बाकी सोशल मीडिया को जमाना है लोग कमेंट में बता दिया करे लेकिन कमेंट को 1000 गुना बेहतर आ चीज लगी जगी था आ चीज करी और बहुत बहुत धन्यवाद के एक सेफ्टी गार्ड भेज पर और संदेश दियो के माँ लोग हर वास्ते कितना कीमती है। तो भाई साहब की तरफ मु जीता भी दर्शक गण है सबने एक ही चीज गणी है खिलाड़िया जीते हुए हेलमेट खरीदो लेकिन हेलमेट क्वालिटी वालों खरीदो और हाँ नहीं वे हो दो लियो रेटा पड़ी यार बजीड भूलियो रोलो सा। तो क्योंकि हमारी जान बचाऊ में सर ने बचाऊ में सब कुछ है जो को कवची तो है। तो जितना भी दर्शक गण है सबने एक ही चीज कहनी है बढ़िया कवच खरीदो ना और जब भी लंबा सफर पर निकलो या हाईवे पर निकलो तो यूज जरूर करो ना। धन्यवाद सैनी साहब आपने।